बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ एम एजुकेशन, अस्सलाम वालेकुम। आई से यू वेलकम इन दिस क्लास। टुडे टुडे द टॉपिक ऑफ माय लेक्चर इज अ सैंपल ऑफ लिसनिंग एक्टिविटीज। लिसनिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड दिस टॉपिक इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड दैट लिसनिंग स्किल इज वेरी इम्पॉर्टेंट अमंगेस्ट द फोर स्किल्स ऑफ इंग्लिश लर्निंग। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट्स डिफिकल्टीज, इट्स प्रॉब्लम्स एंड सम ऑफ द इट्स एक्टिविटीज। एज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सिंगल वर्ड डिक्टेशन एक्टिविटीज फॉर लिसनिंग, लाइन बाई लाइन डिक्टेशन एक्टिविटीज, फुल टेक्स्ट डिक्टेशन एक्टिविटीज, स्टूडेंट सेंटर्ड डिक्टेशन एक्टिविटीज। And I strongly hope that you will have get up all these activities well. Now today some more activities will be shared with you in this respect. The learning outcomes of the today lesson is after completing this session, students will be able to learn the concept easily, to read, write, speak and listen English easily, to be interested in learning language, to be good at pronunciation. Dear students, एक बात जो आपको बताना जरूरी है वो ये है कि इस दुनिया में अगर इंसान ने तरक्की करनी है, आगे निकलना है, एक कुरानी असूल भी मैं आपके सामने शेयर करता चलूं, और वो कुरानी असूल ये है कि नॉट शैल बी रेकन टू अ मैन बट दैट विच ही हैज स्ट्राइवन फॉर, यानी कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा वाना सा यहू सौफ़ा युरा। बच्चों, दुनिया में अगर किसी भी शोबे के अंदर कामयाबी हासिल करनी है, उसके लिए अनथक जो मेहनत है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपका जो नसबुलैन है उसी पे हर वक्त आपका फोकस बहुत ज़रूरी है। आजकल दुनिया में एक बड़ी जदीद जो ट्रेंड चल रहा है, और जो बड़े बड़े फिलासफर, स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर किसी भी तालिब इल्म के अंदर दो चीज़ें बेदार हो जाएं, उसके अंदर दो जज्बे बेदार हो जाएं, तो ही कैन गेट व्हाट ही वांट्स। वो दो जज्बे मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, फिर आगे बाद में शुरू करूँगा। वो दो जज्बे ये हैं बच्चों, ये पहला जज्बा है उसको कहते हैं फोकस,
और दूसरा जज्बा है बिलीव, फोकस एंड बिलीव, या हम कह सकते हैं कि एफर्ट एंड बिलीव, एफर्ट एंड बिलीव, ये वो जज्बे हैं जो कि किसी भी इंसान के लिए, स्टूडेंट के लिए जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। अगरचे मैदाने जंग है, फिर भी इन दोनों जज्बों का आर्मी के अंदर, मुजाहिदों के अंदर होना जरूरी है। अगर इल्म का मैदान है तो वहां भी इन दो जज्बों का होना जरूरी है। अगर क्लासरूम्स हैं तो उनके अंदर भी इन दो जज्बों का होना जरूरी है। अगर कोई इंसान एक मजहबी जैन का डॉक्ट्राइन का है तो इन दो जज्बों का होना जरूरी है। तो लिहाजा बच्चों, ये बात आपके मद्देनजर है कि मिसाल के तौर पे जब तक आप लोगों के अंदर ये जज्बा नहीं आ जाता, यानी कि कौन कौन सा फोकस एंड बिलीव या एफर्ट एंड बिलीव, तो उस वक्त तक इंसान कहीं भी अपनी मंजिल नहीं पा सकता। मैं इससे पहले भी आपको टाइम एंड अगेन बता चुका हूँ कि जो लिसनिंग स्किल है इंग्लिश जबान के अंदर, ये स्किल बेसिकली एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और ये वो स्किल है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, यानी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम पैदा करती है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो स्किल है, इसके ज़रिए जो बच्चे हैं इसकी तरफ ना तो स्कूलों के अंदर, ना ही कॉलेजेस के अंदर और ना ही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ, मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ एक लैंग्वेज लेबॉरेटरी है यहाँ पे, जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको सिखाया जाता है, और वो जो फॉरेन लैंग्वेज जिसमें सिखाई जाती है वो भी सिर्फ एक अलामा, वो भी एक नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, वहाँ पे नमल से बनता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। तो ये जो नमल है वहाँ पे सिर्फ एक लैंग्वेज लेबॉरेटरी मौजूद है, वहाँ पे जो लोग हैं उनको सही तरीके से, टेक्निकली तरीके से, प्रोफेशनली कोई भी जो जबान है ये बच्चों सिखाई जाती है, ख़ास तौर पे इंग्लिश। ये जो आइट्स के कोर्स होते हैं, यानी कि आइट्स के को इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो होती है, या टोफल के कोर्स होते हैं जैसे टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, ये जितने भी कोर्सेज हैं, तो ये सारे के सारे जब तक एक अच्छी लैंग्वेज लेबॉरेटरी नहीं होती उस वक्त तक अच्छे अंदाज में सीखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहर अभी उस तरह के जो सोर्सेज हैं वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं हैं। तो लिहाजा बच्चों, स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर अगर थोड़ी सी असाज़े कराम एफर्ट करें और स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो ये जो स्किल है लिसनिंग, इसको इम्प्रूव किया जाता है, किया जा सकता है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, सबसे बड़ी वो क्या हैं कि जिनकी वजह से जो लिसनिंग स्किल है वो हमारी जो है ये बेहतरीन नहीं होती। इसके लिए रुकावटें क्या हैं, इसके लिए प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज मैंने आपके सामने भी शेयर करने हैं कि इसके रास्ते में मसाइल कौन कौन से हैं। तो बच्चों, जो बैरियर्स हैं बच्चों, जो कि वो नंबर वन जो बैरियर है कोई ये जबान सीखने का बच्चों, वो ये है। सबसे पहला, लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो क्वालिफाइड टीचर हैं बच्चों वो अवेलेबल नहीं है, जो क्वालिफाइड टीचर हैं वो दस्तयाब नहीं है। उसकी क्या वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो क्वालिफाइड टीचर हैं जहन है वो भी तो इसी माहौल से पढ़े हुए हैं, और
वो भी इन्हीं स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर वो पढ़ते रहे हैं, तो लिहाजा वो खुद अभी कंप्लीट जो इंग्लिश होती है, जो कंप्लीट इंग्लिश, इससे अभी वो भी आगाह नहीं है। मतलब कंप्लीट इंग्लिश से मुराद ये नहीं, आपको बड़े बड़े इंग्लिश बोलने वाले भी मिलेंगे, लेकिन जिसको बच्चों कहते हैं ना कि कंप्लीट सेंस, विद कंप्लीट सेंस इंग्लिश बोलना, यानी कि जिस तरह इंग्लिश के मुकम्मल रमूज़े औक़ाफ़ समझ के बोलना, उसको फोनेटिकली बोलना, उसको फनालोजिकली बोलना, उसको लिंग्विस्टिकली बोलना, उसका हक अदा करना, तो ये बच्चों ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है। उसके लिए हमारे पास जो क्वालिफाइड टीचर हैं बच्चों, उनका होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा, मैं आपको ये बताता चलूं, ये बड़े बड़े ये मोजज़े भी होते हैं बाज़ात इस हवाले से, कि अगर जो रिटन लैंग्वेज है ना, जो रिटन लैंग्वेज है, इसका इतना बड़ा मसला नहीं है, बंदा लिख भी लेता है, जो बंदा कुछ भी नहीं बोल सकता वो भी अच्छा खासा मज़मून लिख लेता है। और ये आप लोग भी कभी ट्राई कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशंस, जो स्टोरीज, जो एसेज आप लोगों को याद हैं, अगर हम कहें कि आप क्लास में सामने आके खड़े होकर सुनाएं या अपने घर में किसी को सुनाएं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम्युनिकेट अमंग यूर एंड इन फ्रंट ऑफ यूर द फैमिली मेंबर्स। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि बेसिकली यू आर लैक ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग स्किल्स दैट मस्ट बी एंडीवर्ड फॉर यू। तो असल ये है कि ये सबसे बड़ा मसला होता है, के जो मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा होता है वो भी हम बाज़ात यानी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? मैं ये परसों से बता रहा हूँ आपको, इससे पहले मैं लेक्चर्स में बता चुका हूँ बच्चों, कि इसलिए इंसान नहीं बोलता कि लिसनिंग जिस तरह हर एक चीज़ एक थ्रू प्रॉपर चैनल से आती है ना, इसी तरह बच्चों ये जो है ना लैंग्वेज, ये भी एक थ्रू प्रॉपर चैनल से आती है। जिस तरह जिस वक्त हम राइटिंग करते हैं तो उससे पहले काफ़ी बार हम लिखते हैं, फिर जाके हमारी राइटिंग अच्छी होती है, फिर स्पेलिंग नहीं हमें आते हैं, हम काफ़ी उसमें पैरट लर्निंग करते हैं, तो जब जाके हमें यानी कि स्पेलिंग आते हैं, तो बेसिकली वो सारा जो हम वर्क कर रहे होते हैं, हमारे पास किताबें होते हैं, ये सारा काम रीडिंग वगैरह का हो रहा होता है। तो जो लिसनिंग होती है ना वो बेसिकली होती है इसलिए कि टीचर ने खुद अगर कहीं से लिसनिंग की हो, किसी गोरे से लिसनिंग की हो, या किसी इंतहाई एक्सट्रीमली क्वालिफाइड टीचर से लिसनिंग की हो, या किसी लैंग्वेज लेबॉरेटरी से लिसनिंग की हो, फिर तो उसके लिए आसान हो जाता है। वरना क्या होता है, मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे माहौल के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, कि जो हमारी टीचर्स हैं वो हमारे लिए कितना बड़ा यानी कि प्रॉब्लम बन जाते हैं बाज़ात, इस वजह से कि उन्होंने तैयारी नहीं की होती और वो खुद नॉन प्रोफेशनल होते हैं। मसलन एक मिसाल है कि हम जिस वक्त 7वीं क्लास में, आठवीं क्लास में पढ़ा करते थे, तो हमें एक टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे, तो वो जिस वक्त मैथमेटिक्स पढ़ाते थे तो उसके अंदर यानी कि ये एक उर्दू में टर्म इस्तेमाल होती है, मरबा होता है, एक मुस्ततील होता है, मसलस होती है, तो उसमें जो मरबा होता है उसको वो लिखा करते थे और साथ उसकी इंग्लिश लिखा करते थे, एस के ओ यू ए आर ई। तो ये आपको पता है कि इसको सिक्योर पढ़ते हैं या स्केयर पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारे जो टीचर साहब हैं इसको सकचोर पढ़ा करते थे। अब ये जो सकचोर पढ़ा करते थे इसमें उनका कसूर नहीं था, बेसिकली ये था कि उस वक्त का एनवायरनमेंट इस तरह का था कि इंग्लिश की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता था, या हमारे पास इंग्लिश लर्निंग की फैसिलिटीज या गैप फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे पास सहूलियात नहीं थी, तो इस वजह से बच्चों ये उस वक्त ये इस तरह के प्रॉब्लम्स वगैरह होते रहे। फिर ये तो हमारे अपने एक टीचर की बात है, फिर इसी तरह बहुत सारे हमारे एक टीचर हैं जो 9th में हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, तो वो हमें एक लफ्ज़ है VINEGR, ये विनीगर होता है, विनीगर का मतलब होता है यानी कि ये जो सिरका वगैरह है इसको विनीगर कहते हैं, तो वो हमें
यानी कि पूरा साल तकरीबन इसको वाइंजर पढ़ाते रहे, वाइंजर VINE, यानी कि जिस तरह वाइन होता है ना, वाइन का मतलब अंगूर की बेल होती है या शराब की किस्म होती है, तो आगे GR लगा होता था तो वो इसको वाइंजर पढ़ते थे। हालांकि जब ये VINE, ये विनीगर होता है, तो इसमें उनका कसूर नहीं है। बेसिकली जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि उस जमाने का जो एनवायरनमेंट था उसमें तो बिल्कुल ही जो लिसनिंग है, जो स्पीकिंग है, इसकी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। फिर इसी तरह मिसाल के तौर पर और भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, माशरे के अंदर बड़ी इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल सारी सारी देने का मकसद ये है कि फॉर द बेस्ट लिसनिंग देयर इज ए नीड ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। जब तक क्वालिफाइड टीचर नहीं है उस वक्त तक हम लिसनिंग नहीं करवा सकते, ठीक है। और उस वक्त तक सबसे बड़ा ये मसला है कि टीचर बेसिकली जो जब खुद एक नॉन प्रोफेशनल होगा, उसके नतीजे के तौर पर यानी कि वो जो भी अपने बच्चों को डिलीवर करेगा, उनको कम्युनिकेट करेगा, वो उस लेवल का नहीं होगा। तो ये दिस इज द फर्स्ट बैरियर फॉर लर्निंग यानी कि लिसनिंग। एंड द सेकंड बैरियर विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज दैट नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड। बच्चों ये जो नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ना ही जो टीचर है वो प्रोफेशनल पढ़ाने के मामले में प्रोफेशनल, और ना ही जो तालिबे इल्म है वो इस लैंग्वेज को संजीदगी के साथ सीखना चाहते हैं। आप जरा लोग बताएं कि आप लोग अभी एमए एजुकेशन के अंदर हैं, 16 साल हो गए आपको पढ़ते हुए, तो आपने कितनी ही ज्यादा कोशिश की अंग्रेजी जुबान सीखने की कि आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? नहीं ना, आप सोच सकते हैं इसलिए कि क्लास के अंदर या मिसाल के तौर पर ये है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो करवाना ये कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बच्चों यानी कि क्लास के अंदर आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि हमारी लिसनिंग कमजोर है और हम इसके लिए को प्रैक्टिस करें, और असाज़ा जो है वो भी इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करवाते, इसलिए कि ये मिसाल के तौर पर यानी कि टीचर जो हैं वो भी, हालांकि टीचर समझते हैं कि ये बच्चों के लिए ज़रूरी है, लेकिन चूंकि उनके जहन में होता है कि बच्चों को रटा लगवा दें, सबक याद कर लेंगे, पेपर दे देंगे, नंबर अच्छे आ जाएंगे, ये पास हो जाएंगे, और जो हमारा रिजल्ट है वो भी अच्छा आ जाएगा। तो ये जो सोच है बेसिकली, ये बेसिकली उनके लिए ना यानी कि टीचर्स के लिए ये एक बड़ी ना मिसाल के तौर पर ना एक आजमाइश बन जाती है। फिर उसके बाद बच्चों जो दूसरे नंबर चीज है वो है, अच्छा उसके बाद आगे इसके आगे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो, समझ अब्दुल वहाब की बुलाया, हाँ अब्दुल वहाब वापस नहीं आ रहा वो इधर से, मैं जब ये ऊपर करता हूँ तो ये आ जाता है। अच्छा तो ये सॉरी टू डिस्टर्ब यू, असल मैं इतना भी वो ये प्रोग्राम चलाने के मामले में प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो ये मेरा बेटा करता है सारा, तो इसलिए ये कभी जैसे गड़बड़ होती है तो फिर मैं उसकी हेल्प लेता हूँ। अच्छा तो सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं अभी आगे ये जो दूसरा पॉइंट बच्चों मैंने आपसे शेयर किया है, दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड। टीचर का भी प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है और बच्चे भी ये जो लैंग्वेज है ये सीखना नहीं चाहते, ये सबसे बड़ा मसला है बच्चों।
बच्चों अब जो तीसरा यानी कि जो इश्यू है ना, इसके रास्ते में जो बैरियर है वो हमारा बच्चों करिकुलम है। यानी कि ये याद रखे मेरी बात है, जो करिकुलम आपको पता ना करिकुलम क्या होता है, जो करिकुलम होता है ना ये बेसिकली सिलेबस ही है ना, यानी कि तालबिलम स्कूल में जाने के बाद व्हेन द स्टूडेंट एंटर्स द गेट ऑफ द स्टूडेंट स्कूल एंड ही लर्न्स फ्रॉम होल डे ऑफ हिज फ्रॉम हिज लेसन एंड व्हेन ही डिपार्ट फ्रॉम द स्कूल ड्यूरिंग द मोमेंट या ड्यूरिंग दिस स्कूल टाइम वट एवर ही लर्न्स दैट इज कॉल्ड करिकुलम। अगर मैं इसको उर्दू में बताऊं तो स्कूल के दरवाजे से दाखिल होने के बाद पूरा दिन स्कूल के अंदर बच्चा जो कुछ भी सीखता है स्कूल के वापस आने तक वो उसको करिकुलम कहते हैं। करिकुलम इज नॉट जस्ट सिलेबस है, करिकुलम बेसिकली इज नॉट जस्ट सिलेबस और इट इज नॉट जस्ट एक्टिविटीज है। करिकुलम बेसिकली इज द ब्लेंड ऑफ द सिलेबस एक्टिविटीज एंड द एटीट्यूड्स ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स एंड द पेयर्स ड्यूरिंग द स्कूल टाइम। तो ये सारी चीज़ें स्कूल के दौरान यानी कि बच्चा यानी कि जज्बात भी दूसरों के सीखता है, दूसरों के एटीट्यूड भी सीखता है, दूसरों से मिसाल के तौर पर अच्छी बातें भी सीखता है, टीचरों से भी बच्चा मानूस होता है, टीचरों से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो ये मिसाल के तौर पर अगर एक टीचर गाली देता है तो बच्चा गाली भी सीखता है, एक बच्चा शफ़क़त के साथ बच्चों के साथ पेश आता है तो ये जो मशफ़क़ाना रवैया है ये भी बच्चा सीखता है। तो हालांकि ये चीज़ें करिकुलम के अंदर नहीं होती लेकिन इसके बावजूद जो एक टीचर होता है वो बच्चे को सिखा रहा होता है। तो बच्चों बेसिकली ये करिकुलम यही करिकुलम होता है। तो ये लिसनिंग के हवाले से जो बैरियर है जो मैं आपसे यानी शेयर करने जा रहा था और आपको मैं बताना चाह रहा था वो ये था बच्चों के करिकुलम जो हमारा जो सिलेबस बनाया जाता है ना ये बेसिकली है ही इस तरह का है, ये है इस तरह का कि इसमें यानी कि ये जो लिसनिंग स्किल है इसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है, इस स्किल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और आपको शायद पता कि नहीं पता ये तो अक्सर ये एमए इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं अगर हमें से वो कर रहा है तो उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि अक्सर ये सवाल आता है कि वाई इज द इंग्लिश वाई इज द लिसनिंग स्किल इज द मोस्ट निग्लेक्टेड स्किल इन द इंग्लिश। यानी कि ये जो लिसनिंग स्किल है ये अंग्रेजी में सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड स्किल क्यों है? तो उसकी वजह यही है बच्चों जो मैं पहले बता चुका कुछ वो वजह, और एक वजह ये भी है कि हमारा जो करिकुलम है दैट इज नॉट जस्ट अकॉर्डिंग टू द मेन फोकस ऑफ लिसनिंग एंड द लिसनिंग इज लैक इन इन आवर करिकुलम। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि हमारे करिकुलम के अंदर जो लिसनिंग है इसके लिए कोई भी एक्सरसाइजेज नहीं है, इसके लिए कोई भी डिजाइनिंग नहीं है, इसके लिए कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटीज नहीं है, इसके लिए कोई भी किसी किस्म का भी ऐसा मटेरियल नहीं है कि जिसकी वजह से मिसाल के तौर पे जो टीचर है मजबूरन बच्चों को पढ़ाए। हाँ एक बात है जो स्कूल की है वो ये है कि अगर आपने छठी क्लास सातवीं आठवीं नौवीं आठवीं तक अगर आपने पढ़ा है तो बच्चों आप लोगों को ये पता होगा तो आप लोगों को बच्चों ये पता होगा के क्लास इन अंग्रेजी के अंदर समझ अंग्रेजी जबान इन सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चों एक सब्जेक्ट आया करता था डायलॉग्स। डू यू नो व्हाट इज डायलॉग? जो डायलॉग होते हैं ना बच्चों ये बेसिकली इतने इंपॉर्टेंट, अगर मुझसे को पूछना कि डायलॉग की क्या अहमियत है तो मैं बोलूंगा कि बाकी सारी अंग्रेजी इंग्लिश से ज्यादा डायलॉग की अहमियत है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज में और जो हमारी लिसनिंग लैंग्वेज में जो डायलॉग काम करते हैं कोई भी और स्किल इतना काम नहीं करती। आज अगर आप बच्चों इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो बड़े बड़े लोगों के पास डिग्रीज होती हैं लेकिन वो इंटरव्यू नहीं दे सकते। वो क्यों इंटरव्यू नहीं दे सकते? उसकी वजह ये है बच्चों कि उनके पास उस तरह की जो लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो नहीं है। वो स्पीक कर लेते हैं तो आगे जो सवाल करते हैं उनको सवाल की समझ नहीं आती। क्यों नहीं समझ आती? इसलिए कि लिसनिंग कमज़ोर है।
और अगर आप कोई एम्बेसी में जाता है, उसका इंटरव्यू होता है, वहां पे कोई भी इंटरव्यू वगैरह लेते हैं जिसमें अंग्रेज वगैरह लेते हैं, तो बच्चों क्या होता है फिर जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो उनकी अंग्रेजों की समझ नहीं आती, पूछ वो ये रहे होते हैं कि यू आर गुड नेम प्लीज, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता ये क्या कह रहे हैं, और हम समझते हैं पता नहीं ये कोई और जबान बोल रहे हैं। चलिए अभी आप बोर हो रहे होंगे, मैं आपको एक छोटा सा लतीफा सुनाता हूँ ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे। वो लतीफा ये है कि एक बार पाकिस्तान के सबका वजीर आजम नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए, जब अमेरिका गए तो इन्होंने भी वहाँ पे इंग्लिश बोलने की यानी इंग्लिश झाड़ने की कोशिश की, तो जब इंग्लिश झाड़ी भी कैसी देख देख के, यानी कि वो लिखा हुआ थे पुर्जे, पता नहीं इनके पुर्जे बड़े मशहूर हुए थे कि ये देख के पढ़ते हैं, देख के सारा कुछ, तो जो कुछ इन्होंने लिखा हुआ था ना और पढ़ रहे थे, तो आगे इनके बैठा हुआ था बुश, वो भी अमेरिका का सदर था, तो उसने आगे से बोला, एनी लैंग्वेज विच यू आर स्पीकिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग सम वर्ड्स बट यू आर बींग स्पोकन ऑफ। उसका मतलब ये है कि तुमने जो भी जुबान बोली है ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं उस जुबान के कुछ लफ्ज़ समझ पाया हूँ, हालांकि जुबान क्या थी वो तो इंग्लिश ही थी। तो उसने बोला पता नहीं ये कोई और जुबान बोल रहे हैं, तो उसने बोला जी कि आप जो जुबान बोल रहे हैं ना इंग्लिश में, उसने आगे से एक्सप्रेस किया ना, इसने भी हालांकि इंग्लिश पढ़ी थी, तो इन्होंने जब इंग्लिश में एक्सप्रेस की, उसने आगे से उसने बोला कि वेरी गुड, आपने जो भी जुबान इस्तेमाल की है, जो जुबान आपने पढ़ी है, जिस जुबान में आपने बात की है, मैं उस जुबान के कुछ लफ्ज़ समझ पाया हूँ। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि वो जो लैंग्वेज है ना उसमें से मुझे कुछ समझ आई है, मतलब ये है कि इंग्लिश के इन्होंने ज्यादातर सीधे लफ्ज नहीं बोले बल्कि उल्टे सारे लफ्ज बोले हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ लफ्जों की समझ आई और कुछ लफ्जों की समझ उसे नहीं आई। और बच्चों दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द एनी नेटिव एनी स्पीकर इन द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली द पीपल हु आर लिविंग इन एशिया। एशिया के जो लोग हैं बेसिकली उनकी ये जो स्पीकिंग है, लिसनिंग बड़ी कमजोर होती है, और इस वजह से वो जो लोग हैं वो बहुत पीछे, यानी कि इस लैंग्वेज के बहुत पीछे हैं, लिसनिंग से बहुत पीछे हैं। तो बच्चों चलें ये भी आपको तो मैं एक वैसे जोक सुना रहा था, और ये जो जोक है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा करिकुलम है, इस करिकुलम के अंदर उस तरह की एक्सरसाइजेज नहीं है, इस करिकुलम के अंदर उस तरह की बातें नहीं है, चीजें नहीं है कि जिसकी वजह से, यानी कि मिसाल के तौर पर बच्चों की जो है ना लिसनिंग में अच्छी प्रैक्टिस हो सके, और जो स्टूडेंट हैं वो अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकें, और जो तालिब इल्म हैं वो, और इस हवाले से उनका कोई किसी किस्म का कोई भी सिस्टम नहीं होता, कोई एक्सरसाइज नहीं होती, कोई मशक नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम फॉर विच द स्टूडेंट्स आर नॉट कैपेबल टू स्पीक एंड पर्टिकुलरली लिसन इंग्लिश। तो सो इंग्लिश हैज बिकम अ वेरी वाइटल एंड प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स स्टिल टूडे। तो दीज आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट बैरियर्स विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड करिकुलम सिलेबस, एंड द फोर्थ वन पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज दैट फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम। यू नो दो एज यू नो दैट फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अवर एग्जामिनेशन सिस्टम इज टोटली फॉल्टी। अवर एग्जामिनेशन सिस्टम इज फॉल्टी बिकॉज देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोसीजर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिसनिंग, देयर इज नो एनी मैकेनिज्म थ्रू विच द लिसनिंग स्किल कैन बी जज्ड फॉर द स्टूडेंट्स। मेरा बंद क्यों हो गया? वो आप किधर गए? वो अब बाबा द्रोणी कौन?
लैपटॉप बंद हो गया नहीं नहीं वो होल्ड ऑन आया सी तो उस बाद आता क्या ना फिर आ गया इधर आ ओ बढ़िया सी बनी है नहीं यार की क्यों कक दे होन सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर अवर्स दैट that are very important in this regard and the point which I am discussing with you the faulty examination system and this system has a lot of problems for the english learner students do not get any good opportunity any good chance in curriculum and hence they are not examined in the examination system so there is a need to improve examination system there is a need to improve curriculum our syllabus and there is also need to manage our professional people and the qualified teachers for which they can produce a better their job their work professional ability and particularly the skills of the English and these are four the number 5 point which I would like to share you is also very crucial and is also very important and this point is crowded classes means Pakistan basically is a poor country